बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की तरफ से आप सबको जो हमें इस वक्त लाइव फेसबुक पे देख रहे हैं खुश आमदेद। जैसा कि आपने देख लिया होगा, इससे पहले एलएलएफ ने ये ऐलान किया था कि आज उसामा सिद्दीक और उनके नावल चांद कबूल करें तो जाने इस पर एक गुफ्तगू है। तो उसामा सिद्दीक साहब हमारे सामने मौजूद हैं, मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, तो इससे पहले कई सेशंस एनएलएफ की तरफ से उसामा सिद्दीक साहब भी उनमें शरीक हो चुके हैं, मुझे भी ये मौका मिला है। तो इस दफा हम दोनों ने मिलकर सोचा है कि हम इस सेशन को जरा गैर रस्मी अंदाज में करते हैं और इसको एक रस्मी इंटरव्यू बनाने के बजाय कि मैं उनसे एक रस्मी सवाल करूं, हम इसको एक गुफ्तगू की सतह पे ले जाने की कोशिश करेंगे। उसामा सिद्दीक साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे बेशतर जानने वाले जो अंग्रेजी जो पढ़ते हैं अदब, वो उनके नावल स्नफिंग और द मून, उससे खास तौर वाकई 2017 में आया था, और अभी हाल ही में आसिम बख्शी ने उनके इसी नावल का एक बहुत ही शानदार और एक इंतहाई काबिल रश्क तर्जमा किया है। मेरे ख्याल किसी भी मुसन्निफ के लिए इससे बड़ा कोई लम्हा नहीं होता रश्क का कि जब उसकी किताब को एक इतनी उम्दगी से तर्जमा किया जाए और वो दूसरी जुबान में। और जब हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं तो लगता है कि ये बुनियादी तौर पर उर्दू का नावल था, क्योंकि इसकी जो फजा है, जो इसमें लैंडस्केप है, जो इसके करेक्टर हैं, जो तारीख और तहजीब है, सब हुई। तो हम आज उनके इस तर्जमे पर, उनके इस नावल पर गुफ्तगू करेंगे। उसामा सिद्दीक साहब बुनियादी तौर पर इनका जो ताल्लुक है कानून के शोबे से है और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां इन्होंने हासिल कर चुकी हैं, की हैं। हार्वर्ड स्कूल से वाबस्ता हैं, लम्स के जो फाउंडिंग चेयर हैं, जो लॉ और पॉलिसी का स्कूल है। इसके अलावा अपनी फर्म में और दुनिया भर में ये अपनी जो कानून से मुतल्लिक, गवर्नर से मुतल्लिक, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से मुतल्लिक अपनी खिदमात देते हैं। तो उसामा सिद्दीक साहब, गुफ्तगू का आगाज यहीं से करते हैं। आप ये बताइए कि आप कानून के शोबे से ताल्लुक रखते हैं और उसमें आपने 3 किताबें भी लिखी हैं जिनको कई अवार्ड भी मिले हैं, तो कानून के शोबे से एकदम आप नावल निगारी की तरफ आए, तो क्या ऐसा है कि आपने इससे पहले इतना अरसा जब तक आप कानून से मुतल्लिक किताबें लिखते रहे, तसनीफ और रिसर्च तो आपने शुरू कर दी थी ना, और रिसर्च इस नावल का भी हिस्सा है, तो क्या आपने, आपके अंदर एक ख्वाहिश मौजूद थी लिखने की, एक अर्ज मौजूद थी जिसको आपने सिर्फ मुलतवी रखा कि जब आप कैरियर बिल्डिंग में, क्या आप उसमें मसरूफ थे, आपको वक्त नहीं मिला, फिर जैसे ही आपको कुछ फुर्सत मिली तो फिर वो जो अर्ज थी वो पैदा हो गई, या कोई इत्तेफाकी हादसा था जिसने आपको नावल निगार बना दिया? जी नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना वक्त निकाला है इस गुफ्तगू के लिए और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद हमेशा से फिक्शन निगारी कर रहा था, लेकिन उसे कानून का लिबादा मैंने उड़ा रखा था। आप जानते ही हैं कि लॉ को भी कभी कभार कहा जाता है और लीगल फिक्शन भी एक टर्म है। और अगर हमारे यहाँ के फैसले 1947 के बाद से देखे जाएँ, ख़ास तौर पर जो मावराए अदालत किस्म की जो हरकत हैं उनके बारे में, तो वो भी फिक्शन ही लगते हैं। लेकिन इस बात से कतई नज़र, असल में फिक्शन मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। मैं एक ऐसे घराने में पला बढ़ा जहाँ पे किताबों पे गुफ्तगू होती थी, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे असातिज़ा भी ऐसे मिले और रिश्तेदार भी ऐसे मिले जो फारिग वक्त में किताब की बात करते थे। तो मेरे ख्याल में कहानी लिखना इंसान की एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है, बल्कि सबसे बड़ी दरियाफ्त है, और ये उसको मुमताज़ करती है दूसरे जो अल्लाह ताला ने जो मखलूकात बनाई हैं। कानून और लिटरेचर दोनों में एक कदर मुश्तरक है, वो ज़ुबान का इस्तेमाल है। ज़ुबान जो है वो उन दोनों के अंदर एक इंतहाई अहमियत रखती है। और जब आप कानून के ऊपर काम करते हैं बतौर वकील, बतौर उस्ताद, मुदर्रिस, मुहक्किक, तो आपको एहसास होता है कि अल्फाज के जोड़ तोड़ से कितनी लोगों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब कानून की एक तरफ तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि उसमें कितनी सलाहियत है ज़िंदगी के अंदर कुछ करने की, लेकिन साथ साथ आपको ये भी एहसास होता जाता है कि कानून की ज़ुबान की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और वो आपको ख़ास तौर पर एहसास होता है जब कानून का आप इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल देखते हैं, चाहे वो नौआबादियाती निज़ाम में हो, चाहे उसके बाद हो। अगर आप अंग्रेज़ों को देखें तो उनका सबसे बड़ा जो एक हरबा या एक जो हथियार था वो कानून था। अच्छा, अब जब मुझे कानून से ज़्यादा उन लोगों में दिलचस्पी हुई जिनके ऊपर कानून मुसल्लत होता है या कानून जिन पे हावी किया जाता है, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे उन लोगों के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी है। कानून बराए कानून में दिलचस्पी नहीं है, कानून इसलिए अहम है कि वो लोगों के लिए है।
तो अब मैं लोगों की ज़िंदगी में तो हमेशा से दिलचस्पी थी और उसमें और बहुत सी चीज़ें थीं, और फिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ये कमाल चीज़ है। किसी भी और डिसिप्लिन के अंदर बहुत से कयूद हैं, लेकिन इसके अंदर आप फैंटेसी भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप हिस्टोरिकल फिक्शन भी लिख सकते हैं। सो ये बहुत सी वजूहात थी जिसकी वजह से मैं तो हमेशा इन दोनों डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड था। लिखा क्यों नहीं इससे पहले, सच्ची बात यह है कि जैसे जैसे आप अच्छा अदब पढ़ते हैं, आपको खास तौर पे, मुझे खास तौर पे ये एहसास कमतरी होता था कि मैं क्या लिख पाऊंगा, और मैं कभी उससे खुश नहीं होता था। ना आपको पता है कि राइटर्स के लिए इतनी रहनुमाई होती है, और ये बात भी दुरुस्त है कि इंसान अपने दाने पानी के पीछे लगा रहता है। सो कुछ तो हमेशा से जुस्तजू थी, और कुछ ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी के बारे में और गहराई में सोचना पड़ा, और वो अमूमन कोई ट्रेजेडी होती। बिल्कुल। सो मेरे वालिद साहब की 2013 में वफ़ात हुई, और वो कुछ अरसा बीमार भी रहे थे, और मैं बहुत, हर किसी को अपने वालिद से उनस होता है, लेकिन मैं जितना उनके बारे में लोगों से और सुनता हूँ और अपने अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि उनके अंदर इंसानियत की जो आला कदरें थी, उनके हद तक थी, और उनके अंदर जो एक इनकसारी और एक मोहब्बत और मजाक की जो कैफियत थी, तो वो जो सेंस ऑफ लॉस है वो मेरे जैसे शख्स को भी उसने हिला के रख दिया। हालांकि कुछ अंदाज़ा था कि अब उनकी तबीयत नासाज है। तो आई थिंक ऐसा जब मौका आता है तो आप ज़िंदगी के बारे में फिर गहराई से सोचते हैं कि क्या मकसद क्या है, और एक हमारे सबके अंदर जुस्तजू होती है कि हम भी कुछ कह दें, या हम भी हैं, या हमारे पास भी कुछ कहने को है, हालांकि ज़िंदगी की बेवकती का एहसास भी साथ साथ होता है। तो वो बस कोई ऐसा मूड बना कि मैं फिर 10वां दिन को काम करता था और रात को ये नावल लिखता था, और 10वां में ये मुसव्वदा तैयार हो गया। हालांकि इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिश की थी, नहीं हो पाया, उसके बाद भी नहीं हो पाया, सो दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स ये दोनों चीज़ों का इम्तिजाज है। जी, मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा सा रोकूंगा, ये माजरत, ये आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि फिक्शन और लीगल जो प्रैक्टिस है या आपका जो कानून है, चूँकि वो आप कानून की किताबें भी लिख चुके हैं, तो और फिर कानून सारा उसमें लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि एक लफ्ज़ की इतनी इंटरप्रटेशन होती हैं, और अगर मामूली सी जो गलत इंटरप्रटेशन है या कोई और तरह की इंटरप्रटेशन, वो किसी आदमी की ज़िंदगी पर हमेशा के लिए असरअंदाज हो सकती है। तो वहाँ जो लफ्ज़ की जो हसासियत है और लफ्ज़ की जो उसमें मीनिंग के उसके स्टेबल या डिस्टेबल होने का, ये बहुत, ये तो बहुत बहुत अच्छा आपने किया। और वही जो आपका ला से ताल्लुक था, वो इसका एक बहुत अहम कहानी की शक्ल में भी हमें नजर आता है। और मैं समझता हूँ कि आपने पाकिस्तानी सोसाइटी को खासतौर पर पेश करने के लिए जो मुंतखब हिस्सा किया, वो इसी कानून से मुतल्लिक था। शायद यही के जो लोग हैं वो पाकिस्तान, और वो जिस तरह अगर हम देखें कि आपके नावल में जो आपने मुख्तलिफ ये जो छः का आपने अदवार चुने हैं, तो उनमें जो आपने 5 किताबें लिखी हैं, तो उनमें जिन कहानियों को आपने मुंतखब किया, उन कहानियों में हम बात करेंगे, उनमें काफ़ी कामन चीज़ें भी हैं, और वो आम लोग उसमें ज़्यादा नज़र आते हैं। वो आम लोग एक तरह से वो मरकजी और वो प्रोटैगनिस्ट बनते हैं, तो वो हम इस पर बात करेंगे। तो कानून और उससे ताल्लुक तो आपके नावल में भी नजर आता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ठीक है, ये आपके वालिद साहब का जो सेंस ऑफ लॉस था वो भी कहीं नजर आता है कि जो तहजीबें गुम हो गई, दुनिया चली गई, उनसे शायद आपको उसने जो मौत से पैदा हुआ सेंस ऑफ लॉस था वो आप इस तरफ ले गए, तो यहाँ भी हम एक नफसियाती तौर पर जोड़ सकते हैं। लेकिन हमने आमतौर पर देखा है कि जो लोग अपना पहला नावल लिखते हैं, तो उसमें आप ज्यादातर अपने शख्सी तजर्बात लिखते हैं या वो जो आपने उन्होंने देखा होता है, लेकिन आपने पहले नावल में ही एक इतना बड़ा, यानी 2084 कबल मसीह से लेकर 2084 बाद अज मसीह तक, इससे पहले हमें जो नावल नजर आते हैं जो कुछ लिखे गए हैं, जैसे ऑरलैंडो है वर्जीनिया वुल्फ का, वो 350 साल का है। इसके बाद हम देखते हैं कुल्फ हैदर का, वो 2500 साल का है, या कुछ बहाव में आप देखते हैं वो छोटी सी वो कहानी जो इसकी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, और हमारी जो तहजीब गुम हो गई। लेकिन आपने माजी, हाल, मुस्तकबिल उसको मिलाकर तकरीबन कोई 4000 साल से ज्यादा अरसा बनता है। तो मेरा आपसे ये मैं खास और जानना चाहता हूँ कि आपने पहला नावल ही जो लोग आम रविश से हटकर लिखा, और एक अपनी जाती जिंदगी के उस तजर्बात को पेश करने की बजाय एक ऐसा नावल लिखा जिसको हम पॉलीफेनी कहते हैं, जिसमें मल्टीपल वॉइसेज हैं, मल्टीपल करेक्टर्स हैं, पैरेलल स्टोरीज हैं, और वो हर स्टोरी अपनी, और उसमें उसकी टेक्निक पे बात करेंगे जो बड़ी गैर मामूली रियाजियाती टेक्निक है। लेकिन मैं इस वक्त आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आम लोगों की रवैये से हटकर आपने ये कैसे इंतखाब किया कि आपने एक नावल लिखना है जो एक 4000 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित हो और जिसमें तीनों जमाने आ जाए। जी, ये गालिबन कुछ मेरे तहत शऊर में ही होगा, बिकॉज एक बात तो ये है कि मुझे हमेशा से तारीखी नावल पसंद है, चूंकि मुझे ये लगता है कि
तारीख एक इंतहाई अहम डिसिप्लिन है, और जितना तारीख के बारे में हमारी आगाही किसी अच्छे नावल से होती है वो कई दफ़ा किसी तारीख की किताब से भी नहीं होती। बहुत सी इसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, चाहे रूसी हम ले लें असातज़ा को, या फ्रांसीसी, या फिर लातिनी अमरीका या इंग्लैंड के। दूसरी, और आपने चूँकि कुरतुलैन हैदर साहिबा के नावल का जिक्र किया तो उसका मेरे पे गहरा असर ज़रूर था। मुझे ये बात बड़ी मुनफरद लगी कि कैसे वो इस ज़मानो मकाम में रह के अपने तखय्युल में 2,500 साल पहले का अरसा जो है उसको पैदा कर सकते हैं। मुझे माजी और माजी कदीम से वैसे ही बहुत ज़्यादा उन्स है, मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा एक तरह का नॉस्टैल्जिया और वो एक सेंस क्रिएट करता है कि हमसे पहले कौन लोग थे, मिट गए, वो भी क्या ये चीज़ें सोचते होंगे। सो ये बहुत सी बातें थी जिसकी वजह से मेरी दिलचस्पी इसी में थी। दूसरा, शायद मैं बहुत सी चीज़ें करना चाह रहा था और मुझे नहीं पता मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ। मैं एक सियासी कॉमेंट्री भी करना चाह रहा था, चूँकि इसकी एक बहुत जो रिकरेंट थीम है वो है मुदाफियत की, वो है इख्तलाफ राय की, और मुझे ये लगता है कि तारीख उन लोगों की वजह से आगे बढ़ती है जो ये कुर्बानी देते हैं कि वो मुदाफियत करते हैं। हमारा अपना पाकिस्तान का तजर्बा, और बतौर वकील मैं खासतौर पर ये कह सकता हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए एक मुदाफियत का कल्चर है। तो मुझे वो शायरी, वो लोग बड़े पसंद भी हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। और मुझे ये भी था कि अब मैंने फिक्शन ही लिखनी है तो मैं यहीं पर महदूद क्यों रहूँ। मुझे अगर मेरा दिल करता है कि गौतम बुद्ध के ज़माने की बात करूं और मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है तो मैं किसी तरह से कोई सीन क्रिएट करूं, क्योंकि इसके लिखने का जो प्रोसेस इटसेल्फ है वो भी तो एक फुलफिलिंग चीज़ है। एक चीज़ तो इसकी आउटकम है कि आपने तैयार क्या की किताब, लेकिन जो प्रोसेस इसका है जो बड़ा इमोशनली, मुझे जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल्स हैं वो दिलचस्प लगते हैं, बट बहुत कम होता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा भाएँ। और ना ही मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी खास बात है कि मैं अपने मुशाहदात के इर्द गिर्द लिखूँ। ये कहते हुए होता ये है कि कुछ वाकयात इसके अंदर ऐसे ज़रूर हैं जिनका मेरी ज़ात से ताल्लुक है। ज़ाहिर है आप जो किरदार ज़िंदगी में देखते हैं वो आप जो किरदार बनाते हैं उसके अंदर उसका असर होता है। सो मैं बहुत कदीम तारीख की किरदार तो खैर काफ़ी हद तक तखय्युल की वजह से हैं, लेकिन जो अब किरदार आगे पीछे हैं उनमें से कुछ लोगों की जो पर्सनालिटी के मुख्तलिफ लवाजमात हैं वो मुख्तलिफ लोगों की जो मैंने जो मुशाहिदा ज़िंदगी में किया उनसे आए हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि तारीखी नावल की एक ख़ास बात यह है कि उसमें कई किस्म के तारीखी किरदार हो सकते हैं, कुछ वो जो बिल्कुल आप ही ने क्रिएट किए हैं, कुछ वो जिनके बारे में हमें मालूम है कि वो एक ज़माने में थे लेकिन हमारे पास मालूमात बहुत कम है। जैसे इसमें अजनाला के कुएं में जिन लोगों को, उनके बारे में हमारे पास मालूमात बहुत कम है लेकिन वो तारीखी रियलिटी है। और फिर जहांगीर बादशाह तो एग्जिस्ट करता था, सो मैं जो जहांगीर बादशाह को जिस तरह से पेश करता हूँ वो मेरी परसेप्शन या मेरी इंटरप्रिटेशन है जहांगीर बादशाह की। सो ये एक मलगूबा सा मैंने बना दिया। मुझे हैरत इस चीज़ पे है कि बाज़ लोगों को ये पसंद आया और उनका ये ख्याल था कि ये एक दिलचस्प चीज़ है। एक मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि बतौर एक उस्ताद के, बतौर एक ऐसे शख्स के जो मुल्क में इस्लाहात पे काम करता है, कानूनी इस्लाहात पे, मुझे लगता है कि हम लोग बड़े अहिस्टोरिकल हैं। हम तारीख को बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। हमारा ख्याल है कि हाल का माजी से कोई ताना बाना नहीं, इसके कोई असरात नहीं। हमारा एक एहसास बरतरी भी है, हम ये समझते हैं कि जो लोग गुजर गए वो किसी तरह हमसे कमतर थे और हम किसी अकल की मेराज पे हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में भी रिएक्ट कर रहा था कि ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोग आए गुजर गए और हमें पता भी नहीं चला। और दूसरा ये कि हाल को समझने के लिए माजी को समझना बहुत ज़रूरी है। सो कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती जो गुज़श्ता से पैवस्ता नहीं होती, और इस केस में तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आने वाला दिन है उससे भी पैवस्ता है, क्योंकि आज जो हम करेंगे उसका असर हमारे कल पे पड़ेगा। और उसमें एक माहौलियाती जो थीम है जिस पे शायद हम बात करें वो आप देखें तो उसका ताना बाना फिर मुस्तकबिल से मिलता है। सो ये बहुत सी वजूहात हैं। जी जी, ये बिल्कुल ठीक है, उन पे हम बात करेंगे। और उसमें खास तौर पर एक चीज मुझे, और जो इसमें आपने एक हैत इस्तेमाल की है और मैं तो उसके लिए इस्तेमाल करूंगा, रियाजियाती हैत, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और वो बड़ी एक, मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं मालूम कि आप ये शौरी तौर पर थी गैर शौरी तौर पर, लेकिन नावल में वो एक बिल्कुल जिस रियाजी का तयशुदा कानून होता है या कायदा होता है उसके तहत वो उसमें तारीख का सफर यहाँ से ऊपर से नीचे जाता है, फिर उलट ऊपर से नीचे फिर जाता है, फिर एक दायरा मुकम्मल होता है। लेकिन आपने जो कि तारीख और फिक्शन का जोड़ा तो ये बड़ा मेरे लिए भी बतौर कारी हमेशा एक बहुत पेचीदा सवाल रहा है कि तारीख और फिक्शन का क्या ताल्लुक है, क्योंकि हमें इस सिलसिले में कई तरह की आराम मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब तारीख को फिक्शन नहीं बनाना चाहिए, तारीख को तारीख रखना चाहिए, कुछ कहते हैं फिक्शन को फिक्शन रखना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि जिस तरह आपने कानून और फिक्शन में एक ताल्लुक दरियाफ्त किया लफ्ज़ का, बाज़ लोग कहते हैं कि जो तारीख है वो लिखी स्टोरी के तौर पर जाती है,
तारीख हो, तारीख का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, तारीख को बयान करने का वो बुनियादी स्ट्रक्चर स्टोरी का है, तो वो स्टोरी से ही मुस्तार लिया गया, लिहाजा वो भी एक ताल्लुक कायम करते हैं। लेकिन हम इसकी जो बहुत सी यानी तनकीदी बातें हैं जो बड़ी अहमियत की हैं कि और वो फिक्शन उसकी अहमियत क्या होती है जिसकी बुनियाद तारीख पर हो, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और वो आप फिर आपको अपने तखय्युल को महदूद भी कई जगह रखना पड़ता है। लेकिन मैं दूसरे एस्पेक्ट पे बात करना चाहूंगा। कुरत हैदर का हमने जिक्र किया, उनका नावल इसमें कोई शक नहीं उर्दू के चंद अजीम तरीन नावलों में शामिल है, लेकिन उसमें उन्होंने जो 2500 सालों पेश किया उसमें सिवाय उस आखिरी हिस्से के जो कराची से मुतालिक है, बाकी ये जो सारा हमारा तहजीब है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तहजीब है, जो वादी सिंध की तहजीब है, ये उसमें गायब नजर आती है। इसके मुकाबले में जो दूसरी तरफ की तहजीब है, गंगा जमान और वो दूसरे वो और बुद्ध का इलाका, वो नजर आते हैं। आपके इस नावल में हमें जो सारा आपने लैंडस्केप दिखाया है, वो सारा वादी सिंध से लेकर कलर रोहतास, जिसमें आप मुतहदा अभी मराकज आपने दिखाया, वादी सिंध है, गदारा है, और मुगलिया हद को पेश करते हुए अपने लाहौर को बनाया है, और उसमें जो तीन चार कहानियां चलती हैं वो सारी लाहौर की, और फिर बाद में जाके वो इकट्ठी हो जाती हैं टैक्सला में जाकर, और वो तो क्या आप समझते हैं कि तारीख का ये तस्वर इस पर कहीं कोई पाकिस्तान का जो एक और जिस तरह एजाज अहसन का एक थीसिस है, या इससे पहले हमारे यहाँ डॉक्टर वजीर आगा ने भी इसी तरह पेश किया, और फिर बहाव नावल, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तारीख का पाकिस्तान का तस्वर है कि आप तारीख को पेश करना चाहते थे, और ये पाकिस्तान की जो तहजीब है ये पेश नजर थी कि इसको आप फिक्शन के जरिए लाना चाहते हैं? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि जो मेरा शनाख्त के बारे में तासुर है, जो हमारा एक इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस भी अलमिया भी है, कि हम अपनी शनाख्त को बहुत तंग नजरी से देखते हैं बहुत से लोग। मेरे लिए पाकिस्तान बहुत अहमियत रखता है, मेरी शनाख्त का बहुत अहम हिस्सा है, मेरी शनाख्त के और भी बहुत से अहम हिस्से हैं, उसमें ईरान का कल्चर भी है, उसमें हिंदुस्तान का कल्चर भी है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक ऐसे खित्ते से हूँ जहाँ पे 7000 साल तक पुरानी हिस्ट्री रिकॉर्डेड है। बहुत से दुनिया के नए ऐसे ममालिक हैं जो दिन रात ये कोशिश करते हैं कि वो अपने लिए कोई तारीख पैदा करें, उनकी 250 साल की तारीख है और उसके ऊपर भी उन्होंने टिकट लगाई होती है, तो मैं क्यों अपने आप को महदूद करूँ। मैं तो हमेशा से मुतासर रहा हूँ। दूसरा, मेरे लिए इंसान अहम है, मेरे लिए इंसानी तहजीब अहम है। मैं तो कोई सबक सीखना चाहता हूँ, मैं तो सबक सिखा नहीं रहा, मैं तो खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये क्या है, ये जो सारा फसाना हमारे सामने है। अब इसमें यह है कि एक लिहाज से तो देखें तो मैंने 6 मुख्तलिफ किस्म के पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात की है। एक सिटी स्टेट है जो मोहनजोदड़ो है, उसके बाद सत्रपी का कॉन्सेप्ट है जो कि टैक्सला में है, उसके बाद एक खास मुगलिया तर्ज की जो बादशाहत है, उसके बाद नौबादियाती निज़ाम है, फिर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, और फिर मैं उसके बाद ये स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि शायद नेशन स्टेट का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा। जी जी, शायद ये सारा कुछ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के हाथ में होगा। सो उस लिहाज से तो मैं फिर पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री को नहीं देख रहा। मैं वापस जाता हूँ, आपका सवाल इतना जामे है और उसमें इतनी बातें हैं कि मैं एक और उसके रुख पे पहलू, आप ये देखें कि मेरा जो कॉन्सेप्ट टाइम का है वो यहाँ लीनियर नहीं है, वक्त एक सीधी लकीर में नहीं चल रहा, इसलिए खास तौर पे मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपने निशानदेही की कि मैं मोहनजोदड़ो से शुरू करके 2084 इन द फ्यूचर जाता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। तो वो पहिए का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कॉन्शियस है, क्योंकि मुझे जब भी पुराने लिटरेचर पे, चाहे वो संस्कृत का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, चाहे उसमें बुद्धिज्म का जिक्र हो या जैनिज्म का जिक्र हो, जब उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे कि वक्त का पहिया चल रहा है, तो मुझे ये बात बड़ी मिस्टीरियस और बड़ी खूबसूरत लगती थी, और वो एक लिहाज से दुरुस्त भी है, क्योंकि हम बार बार आप देखें कि एक तजर्बे से गुजरते हैं, एक तहजीब ऊपर जाती है, एक तहजीब नीचे जाती है, सबात एक तगैयर को है जमाने में, तो कुछ ना कुछ वही आप देखते जाएं कि चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि एक तो क्या होता है, होता ये कि एक गिरोह गालिब आता है, उसकी तहजीब तरक्की करती है, फिर वो जवाल पजीर होता है, फिर एक दूसरा गिरोह आ जाता है, राइट। और आप हर सिविलाइजेशन को देखें, ऊपर जाती है नीचे आती है, लेकिन कुछ चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं। और क्या तब्दील हो रही हैं? एक तो सियासी ढांचा तब्दील हो रहा है, दूसरा मजहब की इंसानी जिंदगी में क्या उसकी वक़्त है उस पर ख्याल तब्दील हो रहे हैं, तीसरा एक चीज़ है टेक्नोलॉजी जो कल के इंसान को क्या बना देती है हमें अभी तक नहीं पता, इस पर भी बड़ा लिटरेचर है। लेकिन इन तीन चीज़ों के अलावा अगर आप देखें तो इंसान की जो बेसिक कैफियत है, उसकी जो सरिश्त है, उसकी जो किरदार की खूबियां हैं, वो डरता है, वो पेशीन गोईया करता है, वो मोहब्बत करता है, नफरत करता है, लड़ता है, वो हर जगह एक ही है।
सो इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट साइकिल का है. आई वुड से कि मैंने तो इसको सिविलाइजेशनल एक लेंस से देखने की एक अदना सी कोशिश की है. जी जी नहीं नहीं वो बिल्कुल वो, और वो इतना जब हम उस नावल को एक मजमुई नजर डालते हैं पूरा नावल पढ़ने के बाद, तो वो हमें हैरत भी होती है. जाहिर है जो नावल है मेरे ख्याल है ये कुछ हिस्सा इसका इंस्पिरेशन होता है और काफी सारा इंस्पिरेशन होता है जिसमें वो काफी सोचता है. और शायरी की तरह नहीं है कि वो बिल्कुल हम कहें कि ये पूरी का पूरा इल्हाम होता है. और आपने इसमें जाहिर है बहुत सी तहकीक भी की है और उसकी जो टेक्निक है ये खास तौर पर ये बड़ी गैर मामूली है, और उस टेक्निक के जरिए आपका जो वक्त का तस्वुर है वो आता है. ये बहुत अहम है. जी बिल्कुल. अच्छा, इसमें एक चीज मुझे जो आपने पहिए का जिक्र किया वो हमें नावल में एक और तरह से भी नजर आता है. मसलन जब हम देखते हैं जो पहली कहानी जो वादी सिंध की है, मंजोदड़ो की कहानी है, तो वो जो तहजीब को आपने खत्म होते दिखाया हुआ, जहाँ और अवामिल है, पुरोहितों का किरदार पढ़ना, उनका सियासी इकतदार के लिए कोशिश करना, और फिर उनको बेनकाब भी आपने किया है, और उनकी मंतिक को भी बेनकाब किया है, और उनकी जो इदारा जाती तश्कील का अमल है उसको भी बेनकाब किया है, और फिर वो दूसरे किरदारों के जरिए, और उसमें फिर डांसिंग गार्लक का भी बहुत ही एक तरह का बिल्कुल हम कहेंगे एक बिल्कुल नया एक नावलाई एक जन्म है जिसमें वो बहुत ही वो सतोई की सूरत में है या वो बहुत ही अच्छा. तो आपने वो पानी की वजह से तहजीब को तबादले दिखाया, और आखिर में जो नावल जहां आपने वो आखिरी हिस्सा 2084 तो आप देखते हैं कि दुनिया जैसे वो कौमी रियासतें खत्म हो गई हैं और अब वो दूसरे यूनिट बन गए हैं और वो पानी के बचाव के लिए और उनमें जंगें हो रही हैं. तो ये भी हमें एक वो साइकिल सा नजर आता है. बिल्कुल बिल्कुल. पानी जो है उसका एक अहम किरदार है, चूंकि पानी ही जिंदगी है और ये तहजीब है भी पानी के किनारे. जी जी. और अगर उस जमाने में माहौलियाती तब्दीली जो थी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था. एक लिहाज से तो इंसान की कस्म पुरसी, उसकी लायानियत या उसका क्या कहना चाहिए, उसकी जो ट्रांजियंस है वो आपको इस चीज़ से पता चलती है कि बहुत सी चीज़ें इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंसानी तदबीर की मरहून मिन्नत है. लेकिन कई दफ़ा फिर जब फितरत आड़े आती है और फितरत से आपका जब सामना होता है तो वो सब तदबीरें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं. तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ इंसान की सिविलाइजेशनल तहजीबाती कश्मकश जारी है और साथ साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्स फैक्टर जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनमें से अब कुछ ऐसी हैं जो अब आज का इंसान ये जान चुका है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर असर डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं डाल रहे. सो एक ये जो डेथ विश है हमारी एज अ सिविलाइजेशन और एज अ रेस, वो भी अहम है इसके अंदर जो एक थीम है. मैं एक बात और गुजारिश करता चलूं कि लिखने का जो अमल है आप तो खैर उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, चूंकि आप दोनों यू वेयर बोथ हैट्स, आप क्रिएटिव काम भी करते हैं और आप एक नक्कात का काम भी करते हैं. कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस होती हैं, कुछ हम सोच के बकायदा नोट्स बना के करते हैं, कुछ के लिए हम तहकीक करते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ हो रही होती है और कोई चीज़ आपके सामने आती है. मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो अजनाला वाला वाक़िया है, मैं नावल लिख रहा था, ये मैंने पहले से नहीं सोचा हुआ था, और मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक गुरुद्वारे में उन्होंने खुदाई जब कर रहे थे तो वहाँ पे ये कुआं मिल गया जिसको शहीदा का खूह कहते थे जी. या कालियां का खूह भी कहते थे. तो मुझे वो एक बड़ी कमाल चीज़ लगी कि देखें एक तारीख है जो कि अब एक्सकेवेट हो रही है और उसके अंदर कुएं में वर्टिकली बाकायदा एक पूरी कहानी है. फिर मैंने तहकीक की और मुझे अपनी लाइलमी का एहसास हुआ कि ये सारा कुछ यहाँ मियाँ मीर की कैंटोनमेंट में हुआ था, और मेरे लिए वो बड़ा सिम्बॉलिक और पॉइंट था. और इसके अंदर कुछ हिस्से मैंने और लिखे, लेकिन वो फिर ऐसा था कि वो मैं कुछ ऑलमोस्ट पोलेमिकल टोन में चला गया, क्योंकि एक आयरनी है, क्योंकि एक उसमें वाकया हुआ कि जब ये हड्डियां मिली और सब कुछ तो उसमें लड़ाई शुरू होगी कि इनका करना क्या है. तो हम अभी तक इतने डिवाइडेड हैं कि हड्डियों पे भी लड़ रहे हैं. उसके बाद मैं खास तौर पर अजनाला गया. मैं चूंकि अमृतसर क्रॉस करके कई दफ़ा हिंदुस्तान गया हूँ, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस पे हिंदुस्तान में बहुत से दोस्त भी हैं, तो मैं किसी तरह से अजनाला पहुँच गया और वहाँ पे दो सरदार बैठे हुए थे उस कुएं के पास. And I spent a wonderful afternoon with them. उन्होंने मेरी बड़ी आवभगत की, उन्हें समझ नहीं आई आदमी लाहौर से कहाँ से पहुंच गया है. तो मैं क्या, मैं भी सलाम करन आया शहीदा हूँ. वो बड़े खुश हुए, कहते तुहाडे भी शहीद ने. मैं क्या, साढ़े सारे दे शहीद ने. तो वो एक कॉमनैलिटी भी थी जो 150 साल बाद बॉन्डिंग हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन पीपल ऑफ वेरी डिफरेंट फेथ. सो फॉर मी इट वॉज ऑल्सो लिव्ड एक्सपीरियंस द वे दिस थिंग वॉज रिटन, आइदर फ्रॉम नॉस्टैल्जिया या जो हमारा इस वक्त एक्सपीरियंस चल रहा था उसके लिहाज से. So it's a very strange thing. मुझे अगर कोई पूछा किस तरह से आप अगली किताब लिखेंगे या कैसे लिखी जा सकती है, मैं कुछ नहीं बता सकता कि ये चीज कैसे होती है. जी बहुत अच्छा. अच्छा, मैं एक जरूर, वैसे तो इस नावल की जितनी किताबें हैं, जो पांच किताबें हैं ना जी, उन पांच किताबों पे हर किताब
की कहानी पे मैं सोचता था कि कुछ थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए। तो शुरू हम करते हैं जो वादी सिंध की आपने जो जिस तहजीब को पेश किया है, तो वो जाहिर है और भी लोगों ने इस पे लिखे हैं कुछ, लेकिन आपने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया और आपका उसमें जो एक पर्सपेक्टिव नजर आता है वो एक जो एक लिबरल तरक्की पसंदाना एक नजर आता है। और खास तौर पर जिस तरह वो जो आप उसमें ये नजर आता है कि बरेसगीर की तहजीब में जो मजहब का अमल दखल इतना पहले शुरू हुआ और मजहब और सियासत का एक जो ताल्लुक शुरू हुआ, और उसमें फिर वो किस तरह वो जो उसमें जो देवता दिखाया गया है, क्या नाम है उसका, पार्थ पार्थाहार जी पार्थाहार, वो दिखाया गया और उसको फिर किस तरह, मतलब वो बहुत हिस्सा मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो मैं चाहता हूँ आप उस पर जरूर कीजिए बात, किससे आप हमारे जो नावल कारीन बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा तो वो आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये आप जाहिर है ये आपने इसका ताल्लुक तहकीक से नहीं होगा, इसका तो एक आप जी कहानी है अपने जी जी उसके जरिए, और जाहिर है उसका ताल्लुक हमारे अपने जमाने से भी है, अगरचे वो पुरान बिल्कुल तहजीब जो है वो आज से कई हजार साल पहले की थी, 5,000 साल पहले, मतलब 4, 4,500, लेकिन वो बिल्कुल आज वो उसको पढ़ते हुए लगता है कि जैसे हमारे जो मासिर दुनिया है उसकी ये कहानी है, उसी को लगता है कि जी एड्रेस जी है। जी जी एक देखिए, एक लेवल पे तो जब हम माजी कदीम के बारे में लिखते हैं, जहाँ तहकीक एक हद तक ही हो सकती है, तो हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने व्यूज़ को, अपने ख्यालात को, जो किरदार बनता है उसमें ज़ाहिर है हमारा अपना अक्स भी आ जाता है, हमारी सियासत भी आ जाती है। ये ख़तरनाक बात है अगर कोई इसको इस तरह से देखे कि क्या वाकई ऐसा हुआ, चूंकि इट्स द अनोएबल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो वादी सिंध की तहजीब है वो तो अभी तक एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, चूंकि उसकी ज़ुबान जो है अभी तक डिसाइफर नहीं हो सकी। लेकिन जो मैं तहकीक कर सकता था, जो यहाँ पे जितना काम एक्सकेवेशन का, आर्कियोलॉजी का हुआ, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सील्स की इंटरप्रिटेशंस हैं, उनके ऊपर काफ़ी देखा। और बल्कि इसमें एक बड़ी दिलचस्प, मैं आसिम बख्शी साहब का जिक्र खास तौर पे बाद में भी आएगा, अभी करना चाहता हूँ, कि हमारी इस पर बड़ी इल्मी बहस भी हुई कि जब हम इसमें ज़ुबान चुने तो उस पर किस चीज़ हाँ, का असर होगा। और उनका मैं ख्याल ये जरूर था कि आपसे इस बात पर करना चाहता था जी जुबान की बिल्कुल, शुरुआत। हमारा ये नुक्ता नजर था कि सिंधी और द्रविड़ियन इसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, संस्कृत नहीं होंगे, वो तो बाद में तहजीब आई। सो इस तरह के बड़े तर्जमे के नुक्ता नजर से भी दिलचस्प आते हैं। बहरहाल उसमें देखिए, बात यह है कि मैं जब मैंने ये सोचा कि दुनिया की तकरीबन हर तहजीब में एक खास वक्त पे ऑर्गेनाइज रिलीजन नमूदार हुआ, जब नोमैडिक एग्जिस्टेंस से और केव ड्वेलिंग से लोग आबाद हुए हैं, तो रिचुअल की, और मेरा इसमें पूरा एक इकतबास है जिसमें मैं इस चीज़ पे गुफ्तगू करता हूँ कि ऑर्गेनाइज रिलीजन कब आता है, और ख़ास तौर पे पुरोहित और जो आपकी ये क्लास है ये क्यों पैदा होती है। रूहानियत तो पहले भी थी, इबादत तो पहले भी थी, देवता पहले भी थे, लेकिन वो इस तरह से उनकी ज़िंदगी पे हाय नहीं आए थे। एक क्राइसिस आया, इकोनॉमिक सरप्लस आया, उसमें एक क्लास पैदा हुई। मेरे ख्याल में ये कॉन्टेस्टेशन दुनिया में तकरीबन हर जगह हुई है, मिस्र में भी हुई है, इराक में भी हुई है। ये चूंकि उनकी हम असर तहजीब है, इसके उनके साथ ताल्लुकात भी थे, तो यहाँ भी हुई। लेकिन एक दिलचस्प बात है, अभी तक हमने जो भी इनकी पुरानी इमारतें देखी हैं उसमें हमें खास तौर पे कोई इबादत गाहें नजर नहीं आई, बड़े प्रैक्टिकल किस्म की जगहें हैं, फसीलें हैं, गोदाम हैं, हौज हैं। सो इसका मतलब है कि एक कश्मकश तब भी रही होगी, और मैं तो इनको बिल्कुल एक प्रिमिटिव लोग नहीं मानता, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, मेरा ख्याल में उनका जो पानी का निज़ाम है, जिसपे मैंने काफ़ी बात की, उसके बारे में काफ़ी लिखा भी गया है, वो तो शायद आजकल के हमारे ज़्यादातर शहरों से बेहतर है। सो बड़ी एक मिस्ट्री है कि ये लोग 4,000 पहले भी हैं, साल पहले भी थे और इतना कदीम थे, लेकिन ये कि इनके शहर इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, तो वहां पे क्या किस किस्म की कॉन्टेस्टेशंस या कश्मकश हुई होगी। साथ ही लेकिन मैं उसको इंसानी लेवल पे देखना चाह रहा था। सुप्रका का जो कैरेक्टर है, जो कि एक टिपिकल रेबल का कैरेक्टर है, जो नेचर के करीब है, जो डेवलपमेंट को देख रहा है लेकिन उसको उसकी कॉस्ट नजर आ रही है, उसमें रोमान भी है, चूंकि इंसान हमेशा से मोहब्बत करता है। ये भी बात हमेशा से रही है कि जो शख्स रेबल होता है, जिसके पास कुछ खाने को नहीं होता, वो नेसेसरीली अपनी मोहब्बत में कामयाब नहीं होता। सो मैं वो कहानी भी सुनाना चाहता था, कहानी सुनाने के नुक्ता नजर से, लेकिन ये तमाम चीजें भी मेरे सामने थी, तो जाहिर है फिर मैंने उसमें पोइटिक लाइसेंस लिया। और ये भी अभी हमें पूरी तरह नहीं पता कि माहौलियाती तब्दीली क्या एग्जैक्टली थी, इस पे मुतफरक आ रहा है, जिसकी वजह से ये तहजीब क्या खुश्कसाली थी या सैलाब थे। तो बहरहाल उसके ऊपर मैंने एक कहानी बनाई, उसमें मैंने कुछ मिस्ट्री का एलिमेंट भी डाला, चूंकि कई चीजें पास्ट के बारे में हमें नहीं पता। सो उसमें जो नील संत के वो जो किरदार हैं, जो खंडरों के बाहर चल रहे होते हैं, सो उसकी एक वजह ये भी है कि एज अ योनरा लिटरेचर मुझे मिस्ट्री और वो तमाम चीजें पसंद है। सो वो मैंने अपने चस्के के लिए भी लिखा, और इसलिए भी लिखा कि अगर कोई और लिखे तो मैं पढ़ने में मुझे मजा आए। वो कहते हैं ना कि आपको किताब वो लिखनी चाहिए जो आप खुद भी पढ़ना चाहें,
सो वंस अगेन जिसमें आपको खुद भी मजा आए, तो वो ये सारी उसके अंदर मुहरकात थे उसके अंदर ये। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं शायद भूलना चाहूँ जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहता था कि ज़ाहिर है मेरा ख्याल है ये भी लाशौरी तौर पर हुआ, जिसमें आपने वक्त का एक तस्वर इसमें पेश किया है जो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। इसी तरह जी कुछ अलामतें हैं जो बार बार, जैसे पानी का आया, इसी तरह पीपल का दरख्त मैंने देखा ये जी बार बार ज्यादा होता, तकरीबन हर कहानी में कहीं ना कहीं पीपल का जी दरख्त मौजूद है। वो मुगलिया लाहौर की कहानी में भी है, वो दूसरी कहानियों में भी है, वो नजर आता है। तो आप क्या इस तरह एक जो इंडिजिनस एक, या इसका माहौलियात के साथ आप करना चाहते थे, और क्या ये तीन धीरे धीरे हो गया, चार नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे इसकी हैं। जो क्योंकि मजहबी और देखें असाफी वो की अहमियत रही है हिंदुस्तान में। बिल्कुल मोहनजोदड़ो की सील पे भी है, बुद्धा का निर्वाण जो है वो भी पीपल के जी। नीचे कहा जाता है, मुगलिया सल्तनत पे जो सड़कों के किनारे लगाया गया दरख्त वो भी है, अंग्रेज ने जिससे फांसी से लटकाया वो भी है, और अदालत के जो आपको सहन में नजर आता है वो भी पीपल होता है। तो एक एक एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी है, मैं पीपल को काफी हद तक उसको हिंदुस्तान से तशबीह देता हूँ, हमारा दरख्त है, यहाँ का दरख्त है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का और उससे पहले का। दूसरी बात माहौलियाती भी है, तीसरी बात यह कि मुझे दरख्तों में एक बहुत गहरा दिलचस्पी है, मुझे जो अगर मेरा कोई रूहानी एक्सपीरियंस होता है तो उसमें अक्सर दरख्तों का एक रोल होता है, मुझे हमेशा से उनकी जमालियात, उनका जो आसाइश वो हमें फराहम करते हैं, मुझे हर लिहाज से वो बहुत मुतासर करते हैं, और शायद ये मैंने अपने वालदैन से सीखा। अब जो माहौलियात की हम बात करते हैं उसके अंदर भी वो बहुत अहमियत रखते हैं। सो मैंने जान के ये भी कोशिश की, अगर आप देखें कि मैंने हड़प्पा के इलाके में, टेक्सला के इलाके में जो वहाँ के इंडिजिनस पौधे हैं उन पौधों का मैंने खास जिक्र किया है। उनका खास जिक्र इसलिए किया है कि इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाएं हमें पता तो हो कि यहाँ पे क्या था। और आप ये देखें कि जो वेस्टर्न नावल है, जो बहरहाल नावल वहीं से आया है, उसकी ये खसूसियत यह है खास किस्म के कुछ नावल्स में, जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स और मंजरकशी के ऊपर जोर था, कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने माहौल को, इंग्लिश कंट्री साइड को, फ्रेंच कंट्री साइड को उन्होंने महफूज कर लिया। तो मुझे जहाँ भी हमारे उर्दू अदब में या हमारे इलाकाई अदब में हमारे माहौल और हमारे महलो वक्कू की कोई चीज़ हो, लाहौर भी इसलिए बार बार आ रहा है, लाहौर मेरा शहर है, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, मैं बाकी शहरों की बनस्बत वैसे तो बहुत कम जानता हूँ, मुझे बार बार ही एहसास होता है कि लाहौर दुनिया के अजीम शहरों में से एक शहर है, लेकिन दिल्ली, इस्तंबुल, दमिश्क, मॉस्को, किसी भी और बड़े शहर की बनिस्बत उस पर उतना नहीं लिखा गया जितना लिखा जाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट नहीं किया गया। सो ये दोनों भी मेरे, आप कह सकते हैं कि कुछ बीच में पेट प्रोजेक्ट्स या एजेंडाज थे जिसकी वजह से ये बीच में आते हैं। नहीं, लाहौर तो बिल्कुल मेरा ख्याल है इस नावल का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो लाहौर और लाहौर जी की कहानियों से मुतल्लिक है। पुराना लाहौर, मुगलियात का लाहौर, 1857 के उसमें जो आपने लाहौर दिखाया, मियां मीर का बिल्कुल बार बार जिक्र आता है, वो कई मतलब जी उसमें नावल की कहानी को वो कनेक्ट भी करते हैं वो कई जगहों पर। और पाकिस्तान की जो आपने कहानी पेश की है वो भी सारी लाहौर की, और इसमें जो किरदार हैं वो भी बहुत ही एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने खास तौर पर मुगलिया कहानी पेश की है, ये दूसरी जी कहानी तरफ हम आते हैं, जी जी और उसमें आपने जहांगीर को मुंतखब किया है, और जी उसी जी जमाने में जाहिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, तो वो आगे जाके फिर वो लगता है जी कि उसमें लिंक कायम हो गया है। मतलब आपने अकबर को नहीं मुंतखब किया, बाकियों को नहीं किया, ये जी जी जहांगीर को मुंतखब करने की, जाहिर ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे मैंने कहा है शायद जी जी जुड़ने के जी दोस्तों कि उसने इजाजत दी थी पहली दफा टॉमस राव को, और वो जी जी लेकिन क्या कोई आपको, या उसका मकबरा लाहौर में इसलिए आपने उन्हें मुंतखब किया, मतलब जी क्या वजह थी इसको तहजीब को पेश करने के मैं लिए आपने? बिल्कुल जी बिल्कुल आपने सही इस चीज़ की निशानदेही की। मैंने खास तौर पे जहांगीर को इसलिए चुना कि चूंकि लाहौर काफ़ी अहम है इस किताब में, कम से कम तीन अदवार में लाहौर नुमाया है। जहांगीर वो बादशाह है जिसको मैं लाहौर से सबसे ज़्यादा मंसूब करता हूँ, मुंसलिक करता हूँ, मुगलिया बादशाहों में सबसे ज़्यादा वक्त उसने गुजारा, यहाँ पे दफन है। मेरा ख्याल में जहांगीर एक बहुत अंडर रेटेड बादशाह है, मेरे ख्याल में वो एक बहुत दिलचस्प शख्सियत है। तो उसके जहांगीरी की खूबसूरती के अलावा जितने उसकी दिलचस्पियाँ, जितने उसके उलूम, जितना उसको शगफ था रूहानियत से, और वो हर मसलक के लोगों से गुफ्तगू करता था, जो नज़र भी आता है उसकी सुहाने में, और एक बहुत रोमानियत भी उसके साथ मंसूब है, अनारकली की कहानी भी है, नूरजहाँ के साथ भी ताल्लुक है, तो बहुत दिलचस्प आदमी है। और दूसरा भी मुझे एक लिहाज से ये भी लगता है कि दैट इज़ द हाई नून ऑफ द मुगल सिविलाइजेशन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे जाना शुरू किया
तो मैं उस तहजीब को, चूंकि मैं वो वाकयात लाहौर में लिखना चाह रहा था और मैं थोड़ा स्पेकुलेट, और मेरे लिए जहांगीर के बारे में और जहांगीर को एक किरदार के रोल पे लाना इसलिए दिलचस्प था कि मेरे पास तो उसके जहांगीरी थी, जिससे मुझे उसकी पर्सनैलिटी का बड़ा अच्छा अंदाज़ा होता है कि किस किस्म का आदमी होगा। इसमें एक बादशाह बनने की जो मजबूती और सफाकियत है वो भी थी, आपको शुरू के वाक़यात से अंदाज़ा होता है उसकी किताब में। लेकिन ये ऐसा आदमी है जो इतना ताकतवर होने के बावजूद ताकत के बारे में सोचता है, जो मैंने उसके अंदर चीज़ें लिखी हैं जिसमें वो बारिश देख रहा है और बारिश के बारे में स्पेकुलेट कर रहा है, तो उसके अंदर एक फलसफियाना, एक रॉ और एक तलाश और एक खोज, ये मेरी बड़ी दिलचस्प बात लगी कि एक इंसान ताकत के अरूज पे भी पहुंच जाए तो उसके अंदर ये कसक रह जाती है। और चूंकि मैं कॉन्ट्रास्ट करना चाह रहा था पावर विद नो पावर, तो वहां पे वो जो सिकंदर सानी और फरास्ता बेग और सिकंदर सानी जो थे, पहले तो वो मजाहिया किरदारों के तौर पे आए, लेकिन फिर वो एक ट्रेजिक तरह के किरदार भी बन गए। बिकॉज हमारे यहाँ देखे ना, ताकत किस तरह मिलती है, वो जो कहता है सिकंदर सानी कि अच्छा इसने कब्जा जमा लिया तो ये शहंशाह आजम बन गया, तो कल को मैं जमा दूंगा तो तुम मुझे पूछोगे। तो द लेजिटिमेसी ऑफ पावर इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? हाउ डज पावर एक्वायर लेजिटिमेसी? मैं अगर थोड़ी सी बात जरा सी एक और करूं, इससे पहले का जो एक था दौर, वो हम ब्रीफ उससे बात कर लूं, जो गंधारा का है, उसके पीछे कहानी ये है कि मैं आज से कोई 20-25 साल पहले इस्लामाबाद में काम कर रहा था, स्टूडेंट ही था, तो मैं हर हफ्ते इतवार किसी और जगह जाने के बजाय मैं टेक्सिला पहुंच जाता था। अच्छा। मैं कई लिहाज से मैं टेक्सिला सारा सारा दिन फिरता रहता था, पता नहीं क्या मुझे खप था, अभी तक है कि वो खंडरों के अंदर जो है ना, मुझे एक तरह का सुकून मिलता था, एक तरह का वो बिल्ला, बिल्ला का जो किरदार है ना, मुझे लगता है जी वो बिल्ला, वो बिल्ला बेचारा तो जो है ना, उसका तो एक और भी डायमेंशन है ना, और वो उस पर आते हैं। तो यहाँ पे वो जूलिया की मॉनेस्ट्री जो है, जो उसका खास एक रोल है, और गौतम बुद्ध एक ऐसा किरदार है मुकद्दस, जिनका पैगाम और जिनकी शख्सियत जो है ना, वो बहुत एक मुतासर कुन चीज है, जो बुनियादी पैगाम जो है नॉन वायलेंस का। और ये बात बड़ी कमाल मुझे लगती है, और ये बात उस जमाने में कॉमन थी कि वनों में निकल जाना, जंगल में निकल जाना, क्या शिद्दत होगी। आजकल तो कोई नहीं करता, ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, अल्लाह एहसास होता है, लेकिन एक रियासत को छोड़ के आप जंगल में निकल जाएं और उन तकलीफों से गुजरें, तो इंसान की जो एक्सपीरियंस है कलेक्टिव एक्सपीरियंस में, ये एक बड़ी यूनिक बात है। वैसे तो जितने पैगंबर हैं हमारे वो, और जितने हमारे मजहबी फिगर्स हैं, वो सेल्फ एब्निगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फिर सूफीज में भी नजर आता है, संत में भी नजर आता है, साधु में भी नजर आता है, ये भी तो इस खित्ते की एक खास चीज है। सो उसके अंदर फिर जो है वो, और मुझे जो जगह बहुत मुतासर करती थी, चूंकि मैंने उसको अब देखा है और ये क्या होगी, और एक अजीब बात ये लगती है जो हम अपने आप को, ये पूरा खित्ता बुद्ध मत का पैरोकार था, और आज आपको 4-5 खंडर मिलते हैं। तो जो इंसान का जो है ना इर्तका, और उसकी जो यानी आपको पता कि कल क्या होना, और कितने ही बीच में तहजीबें हो रहे हैं। सो बहरहाल, जहांगीर के बारे में आपने सवाल पूछा, तो उसके पीछे तो ये बहुत सी वजुहत थी कि मैं जहांगीर पे, खास तौर पे जहांगीर को के बारे में लिखना चाहता हूँ। लेकिन उसमें जो किरदार है वाकई वो बहुत ही, जो सिकंदर सानी और फरास्ता बेग, वो वाकई मेरे ख्याल इस नावल के चंद जो याद रहने रह जाने वाले वो किरदार हैं, जिस उनको पेश किया गया है, उनकी फांसी को जिस आपने बाद में बहुत पेश किया है। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ हिस्सा जरूर हमें आखिर में वो सुनाइएगा। अच्छा, आगे आपने जो उसमें फिर 1857 का जो अपने यानी जो कॉलोनियल पीरियड को पेश करने के लिए आपने 1857 को मंतखब किया है, और वही कहानी 5 किताबों में वही आगे चलती है, उसी पैरेलल चल रही है। तो आप मतलब हम देखते हैं कि कॉलोनियल पीरियड तो तकरीबन आप देखें 1757 से लेकर 47 तक, वो तकरीबन 200 साल बनते हैं अगर आप देखे जाए, जज्बी तौर पर फिर मुकम्मल तौर पर 90 साल बनते हैं। लेकिन आपने उस एक पीरियड को क्या मतलब चुनने की कोई खास वजह होगी? आप उसके जो रेजिस्टेंस लोगों ने पेश की उसको था, जैसे आपने पहले कहा कि आप तारीख को जो लोग उस पावर से मुतासिर होने वाले लोग हैं उसकी रोशनी में देख दिखाना चाहते थे। जी देखें, वो 1857 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जंग आज़ादी हुई और ताकत का इस्तेमाल जो था वो एक और तरह से हो गया, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। मैं थोड़ा बहुत जो मेरा मुतालिया कॉलोनियल पीरियड का है, जिसको मैंने खास तौर पर इस नुक्ता नज़र से देखा है कि जो अंग्रेज़ कानून है, और मेरा PhD का काम जो था उसका भी हिस्सा एक यही था, तो जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा मुझे एहसास हुआ कि जब शुरू में नौबादियाती निज़ाम आया तो ये लोग बहुत, इनके अंदर एतमाद की कमी थी और ये मरूब थे कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इस पर हमने कब्जा कर लिया, हम करेंगे क्या,
चूंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उनका असर रसूख तो बढ़ता गया, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन थी। तो शुरू में जब इन्होंने कानून भी लाने की कोशिश की है तो वो एक तरह की खिचड़ी थी, कभी इस्लामिक लॉ से कुछ ले लिया, कभी हिंदू पुरानी किताबों से कुछ ले लिया। ये 1857 है जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब कैंटोनमेंट्स बनेंगी, अब मेम साहब जो है वो फलानी जगह पे होंगी, क्लब यहाँ पे बनेगा, नेटिव की लाइंस और होंगी, और अब कोड बनेंगे जो हिंदुस्तान के लिए खास कोडिफाइड लॉ है, चाहे पीनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर है। अब हम इनके कानून को अहमियत नहीं देंगे, इनकी जुबान को अहमियत नहीं देंगे, अब वो सही जो नौआबादियाती निज़ाम का तसल्लुत है वो कायम होगा। सो वो एक ट्रांजिशनल फेज है, और उस ट्रांजिशनल फेज का अभी तक असर है। जिन लोगों ने मुदाफियत की वो आज तक भुगत रहे हैं, जिन लोगों ने मुदाफियत नहीं की और उस जमाने में उस नई तब्दीली से फायदा उठाया। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक नेगेटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा कि मैं कंडेम कर रहा हूँ कॉलोनियलिज्म को। एक और बात देखिए, हमारा माशरा और हमारी तहजीब हमेशा के लिए तब्दील हो गई। जैसे अब बाद में डिप्टी नज़ीर अहमद को पढ़ते हैं, सर सैयद अहमद खान को पढ़ते हैं, बेतहाशा बड़े हसास जहीन मुसलमान भी ग्रैपल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कैसे गुजारा करें, मजहब को कैसे बचाएं, कल्चर को कैसे बचाएं और मॉडर्निटी की तरफ कैसे जाएं। अब जो भी उसके बाद कई निज़ाम और चीज़ें आई वो अब दो मतलब 2021 तक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सो आई थिंक वो एक ट्रांजिशनल मोमेंट जो है ना वो कई लेवल्स पे है, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, लीगल, सिविलाइजेशनल। और दूसरा, चूंकि मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि मुझे अजनाला की कहानी मिल गई, तो इस वजह से वैसे तो देखा जाए तो मतलब ये इस 4000 साल के अरसे में और भी बहुत से अहम अदवार हैं। मैं सीधा 2084 कबलज़ मसीह से छठी सदी में पहुंच जाता हूं, बट वही है कि आई हैड टू पिक एंड चूज, एंड मैंने फिर पिक एंड चूज किया इस नुक्ता नज़र से कि मुझे क्या ज़्यादा दिलचस्पी है, जहां मेरी थोड़ी सी मालूमात मेरी बाकी जो नाइलमी है उससे थोड़ी ज्यादा है। सो वो नहीं 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 बिल्कुल नहीं, लेकिन जाहिर है क्योंकि जब आप नावल लिख लेते हैं तो उसमें उसकी टेक्निक, उसका स्टाइल, उसके करेक्टर, हर चीज की जो एक होती है ना, एक तो मीनिंग होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस हो जाती है। तो जब, बिल्कुल। जब जब भी हम उसकी क्लोज रीडिंग करेंगे तो एक एक चीज को अहमियत देंगे। अच्छा, इसको अब जब हमने बहुत सी चीजों को छोड़ा है और एक को मुंतखब किया है, बिल्कुल ये हम लॉजिक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और उसके पीछे ज्यादातर जो है लॉजिक होती है, और कई दफा लैक ऑफ लॉजिक भी होती है, क्योंकि कुछ चीजें आप जानते हैं कि हम बतौर लिखारी जो है वो विम्सिकली भी करते हैं, ये तो होता है ना कि अपने चस्के के लिए या मजे के लिए करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जिसकी तरफ मैं जरूर चाहता हूँ हमारी गुफ्तगू में, जिसको जरूर एक हाईलाइट होना चाहिए, तो इससे जो खास इस पीरियड से मुतालिक, उसमें आपने एक दास्तान गो का किरदार पेश किया है, और वो जो दास्तान गो है लखनऊ से वो आया है, लाहौर में मौजूद है, वो कहानियां सुनाता है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो दास्तानों के बारे में। हमारे यहाँ जो जब कॉलोनियल पीरियड आया और खासतौर जो कॉलोनियल रिफॉर्म की तहरीक चली, आपने जिक्र किया सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अहमद, इनके जमाने में खासतौर पर मौलाना हाली, इन्होंने अंग्रेजों जो चला रहे थे जीवन पंजाब के तहत, दूसरे जो चला रहे थे हमारे अदब रिफॉर्म कर, दास्तानों को बहुत बुरा भला उन्होंने कहा। मैंने कहा ये क्या अदब है, ये तो मुबालगा है, ये ख्याली कहानियां, तलिस्मी कहानियां हैं, तो आप जो रियलिज्म है इसको इस तरफ आई, और खैर हमारा फिर अदब उसकी तरफ चल पड़ा। तो उस लेकिन आपने, और फिर खैर हमारे यहाँ शमसुर्रहमान फारूकी ने काफी काम किया दास्तान को रिवाइव करने में, और उसके और भी लोगों के लिए डॉक्टर सुहेल अहमद खान का काफी किरदार है दास्तानों की अहमियत की तरफ दिलाने में, इंतजार हुसैन का बहुत अहम किरदार है, बाकी खैर कई लोग इसमें। तो आपने उसमें लेकिन दूसरा एक एस्पेक्ट तलाश किया है कि जो एक दास्तान गो है वो लाहौर में आता है, और वो एक तरह की रेजिस्टेंस का बनता है कि आपने वो जो तलिस्माती कहानियां, जादुई कहानियां सुनाता है, और वो उनके जरिए एक रेजिस्टेंस, और फिर जाहिर है उसकी रेजिस्टेंस का पर्दाफाश भी हो जाता है, और फिर वो लाहौर की जो सुरंगों का वो बेरत, बहुत मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, वाकई सुरंगी होंगी लाहौर में, तो उनसे वो बहरहाल। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दास्तान का खास, क्योंकि दास्तान का असर आपके नावल पे एक और भी नजर आता है जो आपने एक पैरेलल प्लॉट या पैरेलल स्टोरीज का किया है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने निशानदेही की है। बाकी अपने सवालात की तरह देखें, एक तो दास्तान मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मेरे ख्याल में हमारे खित्ते की एक मुनफरद ये ईजाद है। अमीर हमजा की दास्तान दुनिया की सबसे तवील हिंदुस्तान है, मैं बचपन से दास्तान पढ़ता हुआ, सो मैं दास्तान को इसलिए भी लाना चाहता था कि मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है, और मैं इस मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ नहीं रखता कि मॉडर्निटी के पीछे हम अपनी इस चीज़ को छोड़ें। दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल में दास्तान जो है वो सिर्फ अलिफ लैलवी उसका फ्लेवर नहीं है, या सिर्फ उसके अंदर परिस्तान की कहानियाँ नहीं, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है। जब आप इसको ज़रा डीपली देखते हैं तो आप इसके किरदारों के अंदर
आपको जेंडर पॉलिटिक्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है, क्लास भी नजर आती है, आपको उस जमाने का जो नोशन ऑफ कुफर और इस्लाम है वो चाहे हम उसको प्रॉब्लमेटिक समझे लेकिन उसकी एक डायमेंशन नजर आती है, आपको एक कॉम्पोजिट कल्चर नजर आता है, चूंकि दास्तान जो है सिर्फ एक खत्ते की नहीं है, सो उसकी तो बेतहाशा मतलब उसका इतना काम हो चुका है। तो मुझे लगा कि एक दिलचस्प बात हो कि मुझे देखें बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफर और सिंबल्स मिले दास्तानी अमीर हमजा में और तिलिस्म होशुबान, चूंकि जैसा मैं उसमें कहता हूँ कि देखें एक अफरा से आपका जादू है और एक नौबादियाती निज़ाम का भी जादू है, ठीक है ना, सो वो उन दोनों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुश्तरक हैं। तो फिर जब मैं जैसा उसको मैंने देखा कि अच्छा अफरा से आपके तीन तिलिस्म हैं, इधर भी तीन तिलिस्म हैं, फिर लोग उसमें कैसे मुकैद होते हैं, आपको तिलिस्म कुशा चाहिए, और जब अफरा से आप जो है उसको मुसीबत पड़ती है तो वो जाता है किसी पुराने सामरी को मिलने, जमशेद को मिलने, इधर वाइसरॉय को मुसीबत पड़ती है वो वापस लंदन जाता है, वहां से कोई जो कमेटी है वो नई चीज, सो मुझे लगा कि इसमें एक इंटरेस्टिंग सिंबलिज्म बन सकता है। और दूसरा ये कि चूंकि उस ईरा की एक चीज है, जॉनरा है, तो मुझे लगा कि मैं फिर ये मीर साहब का कैरेक्टर जो है मैं क्रिएट करूँ, और वो लिखने में फिर मुझे मजा आया, और उसके थ्रू आप देखें कि उस पीरियड में जो लाहौर की फिजा है वो भी थोड़ी तिलिस्माती है, चाहे वो सुरंगे हैं चाहे उसकी गली कूचे हैं, तो मुझे लाहौर एक तिलिस्माती शहर लगता है। और मैं मच एज मैं मॉडर्निस्ट आइडियल्स के बहुत से जो रुख हैं उसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन जो माजी की वक़्त है और जो उसका तिलिस्म है उसको तो मैं नहीं छोड़ने को तैयार। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अच्छा ये अब अगले हिसाब, चूंकि हमारे पास वक्त अब थोड़ा सा रह गया, पता ही नहीं चला, 10-15 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि नावल के सारे समय थोड़ी थोड़ी बात है। अगले अब जो पाकिस्तान का पेश किया, 2009 का पाकिस्तान आपने पेश किया जी, जी। और उसमें पाकिस्तान को पेश करने के लिए आपने जो दो तीन उसमें कहानियां पेश की है, और खास तौर पर मैं ज्यादा वक्त नहीं है तो जो जिसका तल्लुक आपके शोबे से भी है, और आपने उसमें बड़े वो हमें तो कुछ ऐसे किरदार हैं जो चौधरी फुरकान में हो और कुछ दूसरे वो में बिल्कुल जाने पहचाने लगते हैं, तो आप जरूर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसका जो पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान को आप पेश करते हुए इस हिस्से इसको मुंतखब किया कि पाकिस्तान की कहानी को बयान करने के लिए ये जो रफिया बेगम जो है उसकी जो कहानी है वो पाकिस्तान की कहानी बन सकती है? बिल्कुल जी, देखिये हमारी मुझे तो ये लगता है कि एक बड़ी बहस और जंग और जद्दोजहद जो है आजादी के बाद वो कानून और लाकानूनियत की जद्दोजहद है। हम अभी तक ये नहीं तय्यन कर पाए कि हम एक आइन के नीचे रहना चाहते हैं, बाकी तमाम दुनिया रह रही है, हम कभी हाइब्रिड की बात करते हैं कभी किसी और चीज़ की करते हैं। दूसरा मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा था बतौर वकील और फिर बतौर एक रिफॉर्म पे काम करने वाले शख्स के, वो ये था कि आम आदमी जो है, और मेरा फिर जो कानूनी रिसर्च का काम है, कि हम आम आदमी के नुक्ता नज़र से कानून के निज़ाम को नहीं देखते कि वो किस तरह पिसता है, चाहे वो ज़ुबान उसको नहीं आती या वकील नहीं हो सकता। तो ये जो किरदार हैं तो ये इंतहाई ट्रैजिक किरदार हैं जो हमारे आगे पीछे के किरदार हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जो अपनी किसी गलती के बगैर एक जुर्म की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो मासूम लोग होते हैं और दिल उनका अच्छा होता है, लेकिन वो सिस्टम उन्हें दोबारा चांस नहीं देता, जैसा बिल्ला। फिर एक इसमें रफिया बेगम जैसे लोग हैं जो बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं, लेकिन आप देखें कि जहाँ मैंने ये दिखाया कि सिस्टम जो निज़ाम है उनका इस्तेहसाल कैसे करता है, निज़ाम में अच्छे लोग भी हैं, वो जो उनको खातून वकील मिलती है जो उनको सहारा देती है, उस तरह के लोग भी हैं, जहाँ फुरकान मियो साहब जैसे लोग हैं वहाँ वैसे लोग भी हैं। और फिर जो बिल्कुल, और जो आप तीसरा किरदार आप शायद आई एम श्योर पहचान ही गए होंगे, वो एक तरह से मेरी तरफ से एक सोशल सैटायर थी जो अमीनुद्दीन अमीरजादा साहब, तो वो मैं जान वो आप समझें कि एक तरह का इंतकामी कार्रवाई थी जो हमेशा से मुसन्निफ करते आए हैं, चाहे दांते अपने इन्फर्नों में अपने फरीकों को जहन्नुम में डाल रहा हो, चाहे ये नो ये हम हमेशा से करते आए। तो जो हमारे मेरे अंदर का गुस्सा या एंग्स्ट है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमेशा आईन की बालादस्ती को पामाल किया, वो शायद वहां पे नमूदार हुआ। मुझे लगा वो थोड़ा सा मेलो ड्रामेटिक भी हो गया। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, मैं तो खैर एक बहुत ही एक एक्सीडेंटल राइटर हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे पास इतना मवाद है, इतने किरदार हैं, और खासतौर पर हमारा कानूनी निज़ाम, कि अगर चार्ल्स डिकन्स जो है वो लाहौर का शहरी होता तो शायद 200 नॉवल लिख लेता जी। लेकिन जी, मैंने जब दोबारा ब्लीक हाउस पढ़ा, जो उसका शायद सबसे ज्यादा कानून के साथ डील करने वाला नावल है, तो मुझे बहुत ये लगता है कि जैसे हमारा निज़ाम कुछ अपनी डिफरेंसेस के अलावा 150 साल या 100 साल पहले इंग्लैंड के अंदर है, जो मसाइल वहां थे, जिससे ये भी उम्मीद मिलती है कि हम भी शायद इर्तका कर पाए। तो मुझे ये लगा कि मेरी जो मेरे जो मुशाहदात हैं, जो तजुर्बात हैं, उसके लिहाज से कानून और उसमें फंसे हुए लोग और उससे जो
उससे इब्तला ज़्यादा जो लोग हैं उनके बारे में गुफ्तगू की जाए। अच्छा, नावल का आखिरी हिस्सा जो है जो दायरे एक फैंटेसी है जिसमें आप दिखाते हैं कि जो मस्नूई ज़हानत है उसको बहुत आगे जा चुकी है, जिस हमने पहले जिक्र किया जो कौमी रियासतें हैं शायद ये बाकी नहीं रहेंगी, और जो माहौलियाती मसाइल हैं वो सबसे ज्यादा मतलब वक्त के साथ लगता है कि माहौलियाती मसाइल हमारे जो सोसाइटी के और हमारे बका के सबसे बड़े मसाइल के तौर पर सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस फैंटेसी की बुनियाद ये है, लेकिन उसमें फिर और बहुत सी चीजें आती हैं, इंसानी फितरत की, माजी से ताल्लुक की, फिर उसमें रेजिस्टेंस का भी पहलू है। मैं चाहता हूँ इस हवाले से कुछ आप आखिरी हिस्सा जो जी, फैंटेसी जो उसमें मुस्तकबिल जो की, आप लेकिन देखें मुझे तो लगता एक है ये, एक मैं बात कहना चाहूंगा, मुझे बताइए लगता है बताइए। ये 2084 की बजाय 3084 होता तो शायद ज्यादा कन्विंसिंग होता। हाँ, वो आई थिंक एक तो टेम्पटेशन ये थी कि 5000 साल का भी बनाया जा सकता था, पर मेरे लिए 3084 को इमेजिन करना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि अच्छा, तीनों इतनी तेजी से दुनिया तब्दील हो रही है, इतनी तेजी से हाँ, वो दुनिया सकते तब्दील हो हैं। रही है कि 3084 जो है मुझे मुश्किल लगा। बट आप सही कह रहे हैं, दो हजार पाकिस्तान के चौरासी नजर से लगता है कि शायद हम जिस रफ्तार से हाँ पाकिस्तान बढ़ रहे हैं तो 2084 में जो है ये यही होगा जहां अब है। नहीं, बट दो चीजें ऐसी हैं जो इसमें आप देखें, आपने भी निशानदेही की, एक तो पानी और वसाइल की कमी है, दूसरा जो एक हेट स्पीच और पॉपुलिज्म और ये तमाम चीजें जिस तरह से जी बढ़ रही जी हैं। बाय द वे, मैंने जब ये किताब लिखी तो वो आप समझे 2014 के करीब मैंने ये लिखी थी, तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ है जो एक लिहाज से थोड़ा बहुत इसको विंडिकेट करता है। जो ट्रंप का सारा पीरियड है, जो जी मोदी साहब का सारा पीरियड है, जो बोल्सोनेरो का पीरियड है, इसमें आप देखें उधर जैसे अमेजोन तबाह हुआ है, और ये दूसरी चीज के जो सोशल मीडिया के आने से, चूंकि एक जी एनोनिमिटी मिल चुकी है, लोग जो हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उसका कोई रैमिफिकेशंस नहीं है, तो जितनी ज्यादा इस वक्त जी डिवाइसिवनेस और जो नफरत का इजहार है सोशल मीडिया की वजह से, जहां इसके बहुत से फायदे हुए हैं, इसने बहुत से लोगों को जी एम्पावर किया, सो एक तो ये मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से, आप देखें ना दोनों हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान इस खत्ते को अगर आप देखें तो हम तो जी पीछे जा रहे हैं, हम तो बिल्कुल एक बुनियादियत की तरफ और एक ऐसे तसव्वुर की तरफ जा रहे हैं जिसमें किसी ऐसे शख्स के लिए बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है जो हमसे मुख्तलिफ है। तो एक तो वो डिवाइसिवनेस है, दूसरा साथ पानी भी खत्म हो रहा है तो जंगों का तो जी चांस बिल्कुल है इस चीज के ऊपर, लेकिन वो कहानियां अपनी जगह पे। और एक तीसरी चीज आप देखें कि वो जो हिस्टोरियन का कैरेक्टर है बीच में, ये बात कि जी हिस्ट्री कौन लिखेगा, हिस्ट्री कैसे लिखी जा सकती है, कौन सी हिस्ट्री पॉपुलर है, कौन सी हिस्ट्री को सप्रेस किया जाता है, ये तो हमेशा से इशू रहा है। आपने पहले भी बात की कि हिस्ट्री भी तो एक नैरेटिव है, तो जी वो आफाकी का जो कैरेक्टर है उसका डिलेमा अपनी जगह पे है। फिर ऐसे लोग जो एक ऐसे निज़ाम में है जिसमें प्रैग्मेटिज्म और रैशनैलिटी को बड़ी अहमियत दी जाती है, लेकिन अगर आप जी एक लिहाज से देखें तो इंसाफ नहीं है उस माशरे में। वंस जी अगेन, कुछ लोग असेंडेंट हैं, कुछ लोग जी गेटोज में हैं, हमेशा की तरह दो ग्रोह हैं, इस्तेसाल करें तो फिर तरक्की क्या हुई है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं, फिर आपने मुर्द इल्जाम लगा दिया है चीज को कि मजहब है, और मजहब के साथ आपने रूहानियत को भी फेंक दिया, आपने उस चीज को भी जी फेंक दिया, आपने कहा कि सब कुछ तो केमिकल स्टिमुलस से हो सकता है। सो आई जी गेस चाहे वो एल्डस हक्सले हो, चाहे वो जॉर्ज ऑरवेल हो, चाहे वो बहुत से लोग हों जिन्होंने इस तरह की स्पेकुलेशन की जिनको मैंने पढ़ा, तो बहुत से सवाल थे जो मेरे जहन में थे, और जी मेरा चूंकि महदूद जगह थी, मैंने बहुत ज्यादा चीजें की हुई थी, तो मैंने हाँ सिर्फ उसका एक फ्लेवर दिया उसके अंदर कि ये हो सकता है। जी, नहीं, वो बहुत ही अच्छा। आखिर में मेरे ख्याल हमारा टाइम थोड़ा 7-8 मिनट है, एक मैं इसकी जुबान के हवाले से जरूर सवाल जी करना चाहता था। ये जो मतलब मुगल पीरियड है या बरतानवी हिंद का या बाद का पीरियड, ये तो इसमें तो नहीं उलझन पैदा होती, जो सारी उलझन मेरे को जुबान के हवाले से है वो पहला और जो दूसरे पीरियड है कि जो वादी सिंध की तहजीब है या गंदारा की तहजीब है, उसमें उसमें कुछ तो आपने पहले जिक्र किया, तो उसमें मतलब आप कैसे उसे उहदा बरा हुए, जी, और इसमें आसिफ बख्शी साहब का मैं जरूर चाहूंगा जी कि उनका बिल्कुल जरूर बिल्कुल हमसे एक बिल्कुल, लेक्चर उनका होना चाहिए। जिक्र बहुत जरूरी है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो भी याद बैठे होते, कुछ हमसे उनसे भी बात करते, तो वो उनका चले, मेरे को इंशाल्लाह अपनी मौका नसीहत मिले जी और ये कोविड के हालात खत्म हो तो हम मिलके एक इंशाल्लाह जी करेंगे। जी जी दो तीन बातें मैं जल्दी से कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जब मैंने ओरिजिनली इस किताब को लिखा तो मैंने माजी कदीम का इस तरह से सोचा कि एक पेस्टोरल किस्म की जुबान है, उसमें कुछ लिरिसिज्म है, कुछ शायरी का है चक्कर, चूंकि एक सिंपलर जमाना है, यू आर क्लोजर टू नेचर, मैं मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ, जी तो उसमें फिर जब हम गंधारा में आए तो गंधारा में चूंकि बहुत जिक्र है बुद्धिज्म का, तो बुद्धिज्म की जो अपनी टर्मिनोलॉजी है जी उससे फिर उसमें फ्लेवर आ जाता है। मुगलिया को मैंने हाई पर्शियन की तरह सोचा, कलोनियल में कलोनियल अंग्रेजी हमारे सामने थी, और मौजूदा जो था वो मौजूदा है, और जो फ्यूचर है वो वंस अगेन इन्वेंशन है। आसिम बख्शी साहब की मैं दो तीन चीजें यहाँ जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि
चूंकि वो एक बहुत ही सिर्फ वो मुतरजम नहीं है, बात उनकी आलमाना एक इन चीज़ों के ऊपर है, वो खुद फलसफियाना टेक्स्ट के भी तर्जमे करते हैं, खुद शायरी भी लिखते हैं, तो हमारी इस चीज़ के ऊपर बहुत सी चीज़ों पर बड़ी दिलचस्प और सिर हासिल बहसें हुई कि हमें कैसे और क्या लिखना चाहिए, और मसलन ये कि सिंधी का और द्रविड़ियन का फ्लेवर लाया जाए। अच्छा, एक लिहाज से तो देखें तो तर्जुमे में हमें ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी आसानी हुई, उनकी तमाम इसमें मशाकी अपनी जगह पे, क्योंकि इस किताब का मेरे जहन में हमेशा से जो मूड था वो तो बहुत हिंदुस्तानी या साउथ एशियन था, तो उर्दू में जब हम आते हैं तो वो एक लिहाज से उसके मिजाज के करीब आती है। मैंने इसका जो टाइटल भी स्नफिंग आउट द मून रखा था वो तो फैज साहब के उससे रखा था। अब दूसरी इसमें बहुत दिलचस्प बात मैं तर्जुमे के हवाले से कहना चाहूँगा कि अमूमन तर्जुमा जब होता है तो जो लिखने वाला है वो फौत हो चुका होता है। सो मुझे आसिम बख्शी साहब ने कहा कि उनके लिए बड़ा एक दिलचस्प तजर्बा है कि वो एक जिंदा आदमी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए और उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था, क्योंकि हमने बाकायदा इस पर आलिमाना बहसें भी की, जमालियाती बहसें भी की, टेक्निक की भी की, लेकिन मैं सारा क्रेडिट उनको दूंगा कि उन्होंने इसकी पल्स को, इसके मूड को समझा, और जहाँ मेरे कोई थोड़े बहुत मशवरे थे कि इसमें फ्लो इस तरह से आ सकता है, हम इसको थोड़ा सा कम इल्मी कर दें, उन्होंने मेरी बात हमेशा मानी, लेकिन ये सारा उनकी जो कुव्वत बयान, उनका जो अल्फाज के ऊपर और दोनों जबानों के ऊपर अबूर है, और ये कि उनकी फिर पर्सनालिटी, तीनों चीज़ों को बहुत क्रेडिट जाता है कि ये तर्जमा हुआ, और मुझे इसका करने में बड़ा मज़ा आया। मुझे मैंने तो क्या करना था, मुझे इसको देखने में बड़ा मज़ा आया जो वो कर रहे थे। जी जी ज़ाहिर है तर्जमा जो होता है वो कोई आसान काम नहीं, वो कहते हैं कि मतलब, लेकिन ये जो तर्जमा है वो तो बिल्कुल लगता है कि जैसे ये ओरिजिनल है, ये कहीं नहीं लगता कि ये जो उसकी ट्रांसलेशन है। और उसकी एक इस आखिरी सवाल में यही करना चाहूंगा, अब शायद हमारे पास वक्त नहीं है कि आपसे कुछ मैं सुन सकें, वो माजर फिर वो कभी सही, क्योंकि वो ईमान बता रहे हैं फिर कर लेंगे। इसमें जैसे आपने इस किताब का जो नावल का उनवान रखा है वो भी फैज साहब की जिंदानामा की एक नज़्म से लिया है, और वो उर्दू में भी आग अंग्रेजी पहले तर्जमा था। और इसके अलावा आपने हर जो किताब है, जो मुख्तलिफ उसकी 5 किताबें हैं, हर किताब के शुरू में आपने उर्दू शायरी से इकतबासात दी हैं, नज्मों से, गजलों से, इकबाल की, मोमिन की, फैज साहब की, दूसरे गालिब की, बहुत से दी हैं। तो ये इस वक्त उर्दू अदब से आपका जो ताल्लुक था, इसमें मतलब ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि उर्दू शायरी से। बिल्कुल नहीं जी, मैं तो देखें जितनी भी मेरी इतना मालूमात है, मेरी जो भी शख्सियत है, जो भी मुझे अदब से दिलचस्पी है, उसमें उर्दू का जो अदब है और उर्दू में जो अदब तर्जुमा हुआ है दोनों का बेतहाशा रोल है। जो भी मेरी सेंसिबिलिटीज़ हैं, जो भी मेरी जमालियात हैं, उस पर बड़ा असर है। सो दूसरी चीज़ मैं उसमें ये करना चाहता था कि आप देखें कि हर किताब के साथ एक मैंने इकतबास या शेर जो है उर्दू से लिया है और एक मगरबी का, और वो देखें जो मैंने शायर लिए हैं ना वो हम असर हैं, लेकिन उसमें जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ कि वो दोनों तकरीबन एक ही तरह का ख्याल पेश कर रहे हैं। सो ज़माना जैसे बदल रहा है तो उसमें ये भी नज़र आता है कि चाहे मगरब है या मशरक है, जो कॉमनैलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो भी मैं दिखाना चाह रहा था। सो एक लिहाज से मुझे, अगर ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरे वालदैन और साथजा ने इस चीज़ में मेहनत की कि मैं उर्दू अदब और इलाक हमारा जो जितना पंजाबी अदब और जो लोकल अदब है उससे रूशनास हूँ, कि मेरी ज़िंदगी उसकी वजह से बहुत जरखेज़ है, उसकी वजह से बहुत हसीन है, उसमें ज़्यादा जुहते हैं, उसमें ज़्यादा डायमेंशन हैं। तो मैं चाहता था कि वो किसी तरह से रिफ्लेक्ट करे हम जो हैं। मैं किसी अंग्रेज की तरह की अंग्रेजी ना लिख सकता हूँ ना लिखना चाहता हूँ, मैं तो अपनी जुबान लिखूंगा और उसके अंदर फिर मेरी जो जितनी पर्सनालिटी और बैकग्राउंड की रिचनेस है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और इसका नाम मुझे कोई कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो इस पे फख्र है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करते हुए, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि 1 घंटा गुजर गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये इतना अहम नावल है और इसका जो कैनवस है वो इतना ज्यादा वसी है, इसमें जो 5 किताबें हैं वो मैं अगर ये कहूँ कि वो अगर उनको आप अलग अलग भी छापते तो वो अपनी जगह पे मुकम्मल थी, लेकिन आप खैर ये नहीं कह रहा कि उनमें कोई वो आपस में उनके कोई नुकता इश्तराक नहीं है, काफी नुकता इश्तराक उसमें मौजूद है, लेकिन उसका इससे उसकी जो जिहात है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनपे हम मेरे ख्याल कई घंटे गुफ्तगू कर सकते हैं। अभी तो हमने उनके जो बहुत से जो किरदार थे और उन किरदारों, और एक चीज पे बिल्कुल हम बात नहीं कर सके, वो फिर इंशाल्लाह किसी कि नावल में कहानी अपनी जगह पे अहम होती है, लेकिन नावल को जिस तरह नरेट किया जाता है और नरेट करने के लिए जो जुमले बनाए जाते हैं और नरेट करने में किन चीजों को पेश किया जाता है, मसलन आपने लैंडस्केप को पेश करने में काफी किया है, इसी तरह इमारात की जो आपने उनको पेश करने में काफी वो उसकी जो खसूस उजागर किया है, इसी तरह किरदारों के जो मुकालमे आपने लिखे हैं या किरदारों की जो खसूसियात को पेश किए, तो उस पर तो हम बात ही नहीं कर सके, क्योंकि एक नावल को अहम और बड़ा बनाने में जहाँ उसकी कहानी का किरदार होता है
उतना ही किरदार उसकी टेक्निक का होता है, टेक्निक की बात की, और उससे मैं इसमें सबसे ज्यादा किरदार होता है उस कहानी को नरेट कैसे किया गया है, जी नरेट जी करने जी का। तो उस पर हम बात नहीं कर, फिर इंशाल्लाह पूरे 8 बज गए हैं। आपका नहीं, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने जितनी गहराई में इसको देखा और जितने मोहब्बत से आपने इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया, मुझे भी इस गुफ्तगू का बहुत मजा आया। सो बहुत ज़रा नवाजी आपकी। नहीं, बहुत शुक्रिया, LLF का भी शुक्रिया जी। LLF का बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया और मुझे इंतहाई खुशी है कि अब हम इंक्रीजिंगली हमारा जो उर्दू का अदब है और जो दूसरा अदब है उसको भी जो अहमियत देनी चाहिए वो दे रहे हैं, और उसके लिए एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म है। सो आपका और LLF दोनों का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।